राम राम सा, जय सिया राम। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका होस्ट मिस्टर शर्मा। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है राजस्थान में जालौर डिस्ट्रिक्ट में रानीवाड़ा के एकदम नज़दीक। तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस में एक डेजर्ट सफारी का एक जगह मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको कैमल राइड मिल जाता है, ठीक है। आप आगे जाएंगे तो आपको जीप का सफारी भी मिल जाएगा और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इस समय मैं आया हूँ राजस्थान के जालौर ज़िले में रानीवाड़ा के समीप 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे पंसरी करके, जहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है। लोग काफ़ी दूर जाते हैं जैसलमेर और वहाँ पे जोधपुर, लेकिन आपके पास ही गुजरात की बॉर्डर के पास ही और रानीवाड़ा के एकदम नज़दीक में पंसरी करके एक गाँव है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट सफारी है जो यहाँ की देख रेख करते हैं, लोगों को हेल्प करते घुमाने में। आइए हम उनसे मिलते हैं, मिस्टर छगन भाई। सो छगन भाई, बताइए मुझे, आप यहाँ पे पूरा आप ही देख रेख करते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पे? वो इधर ऊँट है, एक वो सफारी वाली गाड़ी है, एक अच्छा। वो चार टायर वाला बुलेट है। अच्छा, ये घोड़ी है। ओके, इधर है। अच्छा, तो अभी कैमल सफारी राइड करना है किसी को, तो कितना किलोमीटर तक आप राइड कराते हो? 100 मीटर, मीटर होता है ना वो इतना। हाँ हाँ। वो 100 मीटर इधर जाते हैं ऊपर द्वारा, ऊपर डिजिट में। अच्छा, वो गाड़ी जाती है 7 किलोमीटर अंदर अंदर तक बाड़ी में। सो पूरा एडवेंचर राइड होता है इसका? ऐसा होता है। अच्छा, और बाइक का? बाइक का वहाँ झोपड़ी तक, वहाँ यहाँ से घुमाते, घोड़ा यहाँ से जाता है वहाँ दुकान तक। हाँ हाँ। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई आता है तो ज्यादातर टूरिस्ट कौन से डे में आते हैं? वो बारिश में ज्यादा आते हैं। बारिश में तो, लेकिन इसे बारिश यहाँ पे कम होती होगी। हाँ, इसलिए। हाँ, इसलिए ठंडी मौसम में को आते हियाड़ा ठंडी मौसम के। ठंडी में तो मुझे बताइए इसका अप्रोक्सीमेटली क्या चार्जेस होगा किसी को कैमल राइड करनी हो तो? इसको 100 रुपया। 100 रुपया दो जनों का 100 रुपया। 7 लोग गाड़ी में बैठे हैं, इसको 1000 रुपया है। बुलेट का 200 रुपया है, घोड़ी का 50 रुपया। तो रेट भी फ्रेंड्स काफी रीजनेबल है। ये थे हमारे साथ छगन भाई, जो कि आके पूरी देखरेख करते हैं। इनके मैनेजर भी एक और है। सो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा छगन भाई। सो राम राम सा। सो ये हमारे भाई है छगन भाई, जो कि यहाँ पे देखरेख करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम भी एक्सप्लोर करेंगे, हमें भी घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे आप? हमें भी घुमाएंगे ये कुछ ही देर में। सो ये इनसे मिलाने का इसलिए था कि जब भी आप आओ तो छगन भाई से मिलिए। और रेट्स भी इन्होंने बता दी, काफी डिसेंट और अट्रैक्टिव रेट्स है। आइए अब हम पूरा इसका टूर करते हैं। सो अभी हम कैमल राइड की सफारी हम भी चालू करते हैं। पग मेल पग रखने को नहीं है? So, अभी हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैमल राइड का। आप आगे चले जाओ, पता आप देखेंगे कि अभी हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैमल राइड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। राजस्थान आओ और अगर आप कैमल राइड नहीं करो तो इसका मतलब क्या? तो आप देखेंगे, कभी भी आओ राजस्थान में, लोग सोचते सिर्फ जैसलमेर जाना है, जोधपुर जाना है, लेकिन गुजरात के पास रानीवाड़ा, जो कि जालौर जिले में आता है, रानीवाड़ा से सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में पंसरी करके एक गाँव है। यहाँ पे आपको डेजर्ट सफारी का एक मज़ा आ जाएगा। इस समय मैं भी एक कैमल राइड कर रहा हूँ, ये देखिए, और काफ़ी आनंद आ रहा है इसका। तो कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत ही बढ़िया, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसका अनुभव लीजिए और बहुत ही आनंद आएगा। आपको दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, आप जालौर जिले में जो भी रहते हैं
वो यहाँ पे आके आनंद ले सकते हैं। भीनमाल और रानीवाड़ा के बहुत ही नजदीक, मालवाड़ा के तो ज्यादा ही नजदीक, और यहाँ पे वो सब सुविधाएं मिलती है। तो आप देखेंगे, ये देखिए व्यू, देखिए आप, है ना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत नजारा, पूरा पहाड़। और ये देखिए छोटू, क्या नाम है आपका? आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? आठ क्या महीने की साल? आठ साल के तो लग रहे हो आप, आठ महीने से। अच्छा आप कितने साल थी बेटे? अच्छा सो ये आप कैमल राइडर से आगे तक लेके जाते हो क्या, यहाँ तक? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चलो। तो जगन जी, अच्छा बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आपके साथ घूमने का। आप इधर आइए, आवाज इसमें कम शायद आ रही होगी। तो इसका नाम क्या रखा है कैमल का? भूरा। भूरा समझता है ये भूरा, इसलिए भूरा रखा है क्या नाम इसका? अरे वाह, तो भूरा सिंह हमको पहुंचा दो हमारी जगह पे। अभी यहाँ से हम क्या दूसरी राइड क्या कराओगे आप हमें? मजा जिप्सी राइड सबसे ज्यादा, जिप्सी राइड में आती है सबसे तगड़ा मजा, जिप्सी राइड में। अच्छा जिप्सी राइड का कितना वैसे चार्ज लेते हैं अपन टूरिस्ट से? हजार रुपया एक एक पर्सन का सब गाड़ी का, सवारी का पूरा भरने के बाद। अच्छा अच्छा, तो कितना दूर तक? सात किलोमीटर। सात किलोमीटर हाँ। तो दोस्तों आप आइए यहाँ पे और जरूर इसका आनंद लीजिए। मैं तो पहली बार आया हूँ, भाई साहब आ चुके पहले भी कई बार, एक बार जरूर आइए, इसका अलग ही फील है। एक बार चारों तरफ खुली वादियाँ है, डिसअपॉइंट नहीं है, रेगिस्तान है यहाँ पे, एक अलग ही उसका मजा है। प्रताप, प्रताप नाम है आपका? भरत नाम है। भरत नाम है। अच्छा प्रॉपर आप कहाँ से हो? पंचेरी से ही हो। आप क्या देखते हो यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं। कुछ नहीं देखते हो? और क्या उम्र है आपकी? तो पता नहीं। ये बच्चा इतना छोटा है लेकिन बहुत ही कलाकार है, फोटोग्राफी काफी अच्छी कर लेते हैं इन्होंने। मैंने इनको जब कैमरा दिया, काफी कलाकारी के साथ भी इन्होंने फोटोग्राफ्स लिए, विच इज गुड। तो आप आओ जब भी ये बच्चा दिखे आपको, आप इनसे फोटो खिंचवाओ, वीडियो शूट करवाओ, और खुशी खुशी आप इन्हें दे सकते हैं आपका जो भी मन करे। बच्चा भी खुश हो जाता है और आपका भी काम हो जाता है ना। ये देखिए, तो ये मुझे अभी लेके जा रहे व्यू दिखाने, ये व्यू देखिए पूरा ना, आप देख सकते हो मेरे पीछे का पूरा व्यू। तो जैसा कि मैंने बताया, भरत ने मुझे अभी पूरा ऑलमोस्ट घुमा दिया यहाँ पे जितना घूमना था। और आज वैसे वीकडेज है और काफ़ी टूरिस्ट नहीं है, देखेंगे आप काफ़ी कम है यहाँ पे। सो जिप सफारी भी मुझे करनी थी, बट अभी काफ़ी धूप है और काफ़ी लोग मेरे ग्रुप में अभी फ़िलहाल नहीं है, हालांकि मैंने किया हुआ है, बट आप भी आएंगे तो ज़रूर इसकी एक्सपीरियंस लेना। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक फोटोग्राफी के लिए आपको एक ये फ्रेम मिल जाती है जिसमें पूरा पीछे बैकग्राउंड व्यू अमेजिंग आ जाता है। ये पूरा रेगिस्तान का फील है यहाँ पे। कैमल रेड मिल जाती है, कैमल का खाना है यहाँ पे, जो कैमल खाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जीप रखी हुई है और भरत घोड़ी का भी राइड होता है, राइट? हाँ घोड़ी का राइड वो कितने बजे चालू होता है? 3 बजे। 3 बजे के बाद आपको यहाँ पे घोड़ी का भी राइड मिल जाएगा। और ये तीन बता दिया मैंने आपको, एक कैमल राइड बता दिया, एक मैंने आपको जीप राइड बता दिया, एक वो बाइक की राइड भी है, बाइक इनकी ख़राब होगी लेकिन वो भी जल्दी चालू हो जाएगी, और एक ये आपको फ़ोटो फ्रेमिंग करना है उसके लिए।
एंड दूसरा आपको अगर हॉर्स राइडिंग भी करना है तो वो भी है, वो 3 बजे के बाद, क्योंकि धूप में इतना मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा अगर मज़ा लेना है तो शाम के समय आप आओ, 5 बजे के बाद, राइट? कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? हाँ, अच्छा 5 बजे के बाद आइए शाम को, उसमें अलग ही मज़ा आएगा एंड यू विल फील इट, यू विल इंजॉय इट। एंड मेरा मकसद यही था यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं भी खुद पहली बार आया हूँ, काफ़ी सुना है, एंड आज मैं वीकडे पे आया हूँ, काफ़ी क्राउड नहीं है, सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ होती है, टूरिज्म काफ़ी आता है यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छा व्यू है, फील है। आप अगर ठंडी में आओगे या फिर कम धूप में अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के लिए। एंड दिस वॉज लाइक फॉर अ कपल ऑफ आवर्स मैं यहाँ पे आया था, पंसेरी रानीवाड़ा से 12 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में जालू डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड भिनमाल से भी नज़दीक है। सो आप आइए, इसका आनंद उठाइए आप यहाँ पे आके। ना मैं कोई पेड पार्टनरशिप या टूरिज्म के लिए मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो आप आइए, ऐसे काफ़ी सारे अट्रैक्टिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल व्लॉग चैनल है एंड इसके अलावा मेरा रियल इस्टेट का चैनल है, विपिन शर्मा रियल इस्टेट एक्सपर्ट, जो कि मैं मेरा बेसिकली रियल इस्टेट का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का, एंड दिस इज़ माय ट्रैवल ब्लॉग जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। ऐसे काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए। सो बी ऑन माई चैनल। थैंक यू, आपका होस्ट विपिन शर्मा, जय हिंद। तो अभी हम चल रहे हैं वापस अपने घर की ओर, पूरा इसका लुत्फ़ उठा के हम निकलेंगे हमारे घर की ओर, जो कि यहाँ से वही 12 से 14 किलोमीटर है रानीवाड़ा। फिर एक आध दो दिन रुक के अगर होगा, टाइम मिलेगा तो मैं उदयपुर जाऊँगा। अगर उदयपुर भी हुआ घूमने का तो ज़रूर मैं आपको उदयपुर भी एक्सप्लोर कराऊँगा, नहीं हुआ तो वहाँ से सीधा बैक टू मुंबई। यहाँ पर एक शॉप भी है नज़दीक में, चिप्स, फरसान, पानी का सब।